अपनी मदद करो राधा रानी, कोनो रास्ता दिखाओ कि हम आशु की जान बचा सके। बारगल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। आलू पूड़ी। स्वादिष्ट पकवान नहीं बना पाए हैं। अरे दादी अम्मा, ये आलू पूरी तो हमरे मेनू में भी आ जाता अगर आपके पोते ने उस एप इंटर्न को नौकरी से ना निकाला होता। ओ, ये आलू पूरी ना वो लड़की ने ही बनाई है। अब लल्ला ने उसको काम से निकाल दिया तो सड़क पे ठेला लगा के अपना गुजारा कर रही है। सोनाली, हमका वो लड़की से मिलना है। हमका उधर नौकरी से निकालने वक्त तो इतना नहीं शरमा रहे थे, फिर आज अपन दीदी के सामने इतना काहे शरमा रहे हो? अगस्त सिंह चौधरी जो करता है डंके की चोट पे करता है। तो आपका साल के आठवें महीने आने का इंतजार करत हो? हाँ, जाके उसे सच बताई तो, और डंका ना हम बजा दी। अरे खड़े काहे, काहे कि तुम सच जानत कि सिर्फ ये कारण एक मेहनती और अच्छी सेब को तुमने नौकरी से निकाल दिया, काहे कि वो अपन घर चलाने की खातिर और भी एक नौकरी करती थी। अरे हमरे बार में गाय से तुमरे पकवानों को मुजरा तो नहीं करना पड़ रहा था ना? दे? तुम बहुत अच्छे से जानत हो कि गलती तुमरी है, पर ये बार में गाने वालों से क्या तुमरा पूरा पुरानी दुश्मनी है का? का हुआ बताओ, बार में जॉन लोग दोबारा बार सिंगर मत कहना, मुझे इस वर्ड से सख्त नफरत है। मैंने अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया क्योंकि अपनी बेशर्मी की एग्जीबिशन लगाने का शौक मुझे नहीं, तुम्हें समझिए। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज कम हियर। क्या आपने इन लोगों का लाइसेंस चेक किया, वर्क परमिट चेक किया? यानि कि ठेले के वजह से चलने फिरने के लिए जगह नहीं है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, और वैसे भी यहाँ रास्तों पर ना गंदगी बहुत है। हटाओ, बिना परमिट के दुकान नहीं लगेगी, हटाओ। सर आप कैसे बातें कर रहे हैं सर? सर आप तो रोज सुबह यहीं पे नाश्ता करते हैं। अब नाश्ता नहीं होगा, दुकान ही नहीं रहेगी तो नाश्ता कहाँ से होगा? हटाओ। सब प्लीज सब, ये तो छोटा सा ठेला है और कितनी जगह लेते हैं, हम तो साफ सफाई से ही काम करते हैं ना यहाँ। हमने कहा ना हटाओ, सारा सामान जब्त कर लेंगे, निकालो। हमने छोड़ना नहीं तो वहाँ पास कुछ नहीं बचेगा। सर आपको एक्शन मत लीजिए, सर आप बस कुछ एक्शन मत लीजिएगा। राम भैया प्लीज मदद कर दीजिए भैया। हम कर लिए। लालच ही तुम गरीबों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जमीन देखी नहीं हड़प ली, इस शहर को अपनी जागीर समझ के रखा है। अरे तुम जैसे अमीर ने ना गरीब को अपन जागीर समझ के रखा। अरे तुम भी पैर वही जमीन में रखते हो जहाँ हम भी चलते। तुमने लिए राधा रानी ने अलग से मनो आसमान नहीं बनाया है, हम सब ना एक ही आसमान के नीचे रहते और एक ही हवा में सांस लेते और एक ही भगवान को पूछते भी, और तुम और हम ना इंसान है बाबू। जब ये अमीर गरीब के बीच के रेखा खींचने से तुमका फुर्सत मिल जाए ना, तब इस बारे में सोचना।